बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने तीन चैप्टर कर लिए हैं। एक चैप्टर किया था हमने इंडेक्स नंबर वाला, एक चैप्टर हमने किया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और एक चैप्टर किया था हम जो इंट्रोडक्शन था जिसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। अब हम आज जो करने जा रहे हैं वो चौथा चैप्टर है। तो ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें डायाग्राम्स होंगी और ग्राफ वगैरह होंगे। ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। लेकिन इसमें से एक सवाल आता है 4 नंबर का, कभी 4 नंबर का आ जाता है, कभी 8 नंबर का आ जाता है। लेकिन ये वाला चैप्टर आपने छोड़ना नहीं है, ये वाला भी करना है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको समझना है आपने और घर बैठ के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम हमारे पास है डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि जो डाटा होता है एक मवाद होती है, उसको हमने डायग्राम की सूरत में या ग्राफ की सूरत में हमने क्या करना होता है, उस मवाद को शो करना होता है। जो आपने ग्राफ देखे होंगे क्रिकेट मैचेस में, या इसके अलावा कोई और ग्राफ आपने देखे हैं कहीं पर भी, कोई कंपनियां वगैरह हैं वो ग्राफ शो करती हैं ताकि उनकी आसानी रहे, वो अपने जो सेल ट्रेड या परचेज वगैरह को शो करते हैं और दिखाते हैं कि हमारा परचेज जो है ये इस तरह अब नीचे हुआ है, अब ज़्यादा हो गया है। यानी कि ग्राफ या डायग्राम में वो क्या करते हैं, वो तमाम जो अपनी जो लेन देन होती है उनको शो करते हैं, यानी कि मवाद को वो वहाँ पर ग्राफ की सूरत में शो कर देते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स हैं चैप्टर में, जो हैं एक डायग्राम होंगी एक होंगी ग्राफ होंगी। पहला टॉपिक हम करेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डायग्राम है उनको रिप्रेजेंट हमने कैसे करना है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा बाय ज्योमेट्रिकल फिगर्स इज कॉल्ड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि प्रेजेंटेशन जो हम करेंगे स्टैटिस्टिकल डाटे की, वो कैसे करेंगे हम, जियोमेट्रिक जो फिगर्स होंगे उनकी मदद से हम क्या करेंगे, फिगर्स की मदद से हम क्या करेंगे वो डायग्राम की सूरत में हम क्या करेंगे उस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली डेफिनेशन है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा बाय जियोमेट्रिक फिगर्स इज कॉल्ड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद डायग्राम की कुछ टाइप्स हैं वो हम देखेंगे, उसकी टाइप्स कितनी हैं। तो इसकी टाइप्स जो हैं वो अमूमन ये देखें आप, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, इसकी 6 डायग्राम की टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास 1 डिमेंशनल डायग्राम्स, सिंगल यानी कि डिमेंशन, एक ही डिमेंशन होता है उसमें, वो डायग्राम होगी। 2 डिमेंशनल डायग्राम्स, 3 डिमेंशनल डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, पिक्टोग्राम्स, कार्टोग्राम्स, ये 6 एग्जाम हैं डायग्राम्स की। तो हमने जो करना है टॉपिक वो सिर्फ 1 डिमेंशनल डायग्राम, जो आपके सिलेबस में शामिल है वो कौन सा है, हमारे पास सिर्फ ओनली 1 डिमेंशनल डायग्राम हमारे सिलेबस में शामिल है, तो हम सिर्फ इसी को करेंगे, बाकी 2 डिमेंशनल 3 डिमेंशनल को हम नहीं करेंगे। इसके अलावा हम पाई डायग्राम्स को करेंगे, पिक्टोग्राम्स और कार्टोग्राम्स इतनी नहीं होती, इसमें सिर्फ इतनी तरीफें ही होती हैं। एक ये वाला टॉपिक करेंगे, एक पाई डायग्राम्स वाला टॉपिक करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि 1 डिमेंशन डायग्राम्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हमने करनी है, जो हमारे इस चैप्टर में सिलेबस में शामिल हैं वो ये वाले टाइप्स 1 डिमेंशन डायग्राम्स की हैं। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हमने करनी है, एक है सिंपल बार डायग्राम्स पहली जो है, दूसरा होगा मल्टीपल बार डायग्राम्स दूसरी हो गई, तीसरी होगी कंपोनेंट बार डायग्राम। ये 3 डायग्राम्स हम करेंगे, यानी कि 1 डिमेंशनल डायग्राम की 3 किस्में हैं, सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट। इसके अलावा 2 डिमेंशनल की डेफिनेशन आपने देख लेनी है, 3 डिमेंशन की भी डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद पाई डायग्राम्स ऐसा डायग्राम होता है जिसमें पाई यानी कि सर्कल की मदद से हम क्या करेंगे वो डाटा को शो करेंगे, जो 360 डिग्री का क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसमें हम डिग्रीज की मदद से क्या करेंगे वो तमाम डाटा को शो करेंगे। इसके अलावा पिक्टोग्राम्स, डाटा को हम पिक्चर्स की सूरत में डाटा को वो शो करेंगे, उसे हम पिक्टोग्राम्स कहते हैं। जबकि कार्टोग्राम्स जो 6 किस्म है उसमें हम डाटा को मैप्स पर शो करते हैं, यानी मैप्स की मदद से डाटा को शो करते हैं, उसे आप कार्टोग्राम्स कहते हैं। तो आज जो हमने करनी है वो है सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट बार डायग्राम्स। इसकी 3 एग्जाम्पल आज हम करेंगे, 3 सवाल और इसको समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर सवाल 4 नंबर का आता है, या पूछ लेता है सिंपल का या मल्टीपल का, कंपोनेंट बहुत ही कम आता है। तो पहले 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरा भी आपने करना है, सिलेबस में आपके शामिल है, तो पहले 3 ही करने हैं आपने।
सिंपल बार डायग्राम की एक एग्जांपल मैंने इधर लिखी है, तीन एग्जांपल, एक सिंपल की लिखी है, एक मल्टीपल की, एक कंपोनेंट की। इन तीनों को हम करते हैं और आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। पहली एग्जांपल मैंने जो सवाल लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 1980-1981 आर गिवन बिलो, यानी 1980 और 1981 पर उनका क्या है, वो ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा है 5 ईयर का। बिलो ड्रा ए सिंपल बार डायग्राम, आपने क्या करना है, एक सिंपल बार डायग्राम क्या करना है, बनाना है। तो सिंपल बार डायग्राम आपने कैसे बनाना है, तो हम उसको बना लेते हैं। तो ये डाटा दिया गया, एक साइड पे ईयर दिए गए हैं 1976-77, 3500 स्टूडेंट्स, 1977-78 3900, 1978-79 4200, 1997-80 4349, 1980-81 5120। यानी कि एक साइड पे ईयर दिया गया, दूसरी साइड पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं कि इस ईयर में इतने स्टूडेंट थे, इस ईयर में इतने स्टूडेंट हैं। इसको आपने किस सूरत में जाहिर करना है, सिंपल बार डायग्राम पे क्या करना है, इसको इन मवाद को आपने शो करना है। तो इसको हल करने से हल करते हैं हम, सिंपल बार डायग्राम इसको कैसे बनाना है। इसको सबसे पहले आपने एक एक्सेस लगानी है, इधर y एक्सेस होगी और x एक्सेस होगी, इसे y एक्सेस कहते हैं आप, और ये x एक्सेस हो गया, y एक्सेस और x एक्सेस। y एक्सेस पर आपने जो है वो क्या करना है, जो मवाद होगा वो उसको शो करना है, जैसे रकम होती है उसको आपने इधर शो करना है, जबकि x एक्सेस पे आपने जो है वो डाटा जो जिसका मवाद होगा उस पर शो करना है। तो यहाँ पे हम मवाद को शो करेंगे, जैसे हमारे पास 3500, 4400, 4549, 5100, 5120, तो इसको हम शो कर लेते हैं। यहाँ से हम 1000 का डिफरेंस रख लेते हैं, हम यहाँ से हम रख लेते हैं 1000 हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हम इस साइड पे लिख लेते हैं, यानी कि 1000 स्टूडेंट। उसके बाद आ गया 2000 आ गया हमारे पास, फिर आ गया हमारे पास 3000, 4000। आपने ये कैसे लिखने हैं, ये पहले आपने देखना है कि इसकी तादाद जो है वो कहाँ तक जा रही है, इसकी तादाद जो है वो 5000 तक जा रही है, तो आपने 6000 यानी कि 6 ये लगाने डॉट, और उस पर आपने 1000, 2000, 3000, 4000, यहाँ पे 5000 आपने लिखना है और यहाँ पे आपने 6000 आपने लिखना है। उसके बाद आपने नीचे जो एक्स एक्सिस है उस पर आपने क्या रखना है, उस पर आपने जो है वो ईयर रखने हैं। तो पहले पे आपने 1976 से 77, फिर आ गया 1977 से 78 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 1978 से 79 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 1979 से 1980 तक आ गया। उसके बाद आप देखें 1980 से 1981 आ गया, 1980 से 1981 तक हमारे पास क्या आ गया, ये एयर आ गया। इधर हम एयर रखेंगे और इधर क्या रखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखेंगे। एयर्स इस साइड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर रख लेंगे, एयर हम इधर रख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और एयर दिया गया है, इसको हमने डायग्राम पर क्या करना है, शो करना है। तो इसको हम शो करते हैं। तो कैसे शो करेंगे आप, पहले देखें आप 1976 और 77 में 3500 स्टूडेंट हैं, तो 3500 स्टूडेंट आपके 1000, 2000, 3000 और 4000 यहाँ पर है, और 3500 आपके यहाँ पे आ रहा है इसके सेंटर में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेनी है, इस तरह करके फिर इस तरह आपने क्या करना है, इसको एक डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम की शक्ल में आपने क्या करना है, इसको शो कर देना है। उसके बाद आपका जो है 3900 क्या है, 1970 से 1978 है, तो 1970 और 78 में आपने एक डायग्राम बनाना है। उसको आपने कैसे बनाना है, वो आपका है 3900। तो यहाँ पे आप देखें तो 4000 है, 4000 से कुछ थोड़ा सा काम हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, यानी कि 3500 से थोड़ा सा ऊपर होगा और 4000 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो इसको हम एक डायग्राम बनाएंगे, यानी कि 77 और 78 का एक डायग्राम हम बना लेंगे। उसके बाद देखें 4200 है, 4200 को आप कैसे करेंगे, इसको एक डायग्राम बनाएं आप। ये हमारे पास 3900 आ गया, फिर 4000 आ गया, ये हमारे पास तकरीबन 4200 आ गया। इसको आपने इस तरह क्या कर लेना है, एक डायग्राम शो कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 4349, 1979 और 80 में है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये हम यहाँ तक बना लेते हैं। 4349 जो है का डायग्राम ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो 1980 और 81 में है वो 5120 है, उसका एक डायग्राम आपने बनाना है। वो कैसे बनाएंगे आप,
यहाँ पे आप देखें 5000 तक, 5000 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे 5120, तो यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेंगे। तो इस तरह आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है। डायग्राम पर आपने क्या करना है, इस डाटा को शो करना है। ये हमारे पास सिंपल बार डायग्राम है। कौन सी डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम। ये कौन सी डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम है। इसको आपने इस तरह बनाना है, यानी कि एक साइड पे एक्स वाई एक्सिस पे आपने तादाद रख लेनी है और एक्स एक्सिस पे आपने एयर रख लेनी है या कोई मवाद कोई और रख लेना है। तो इस तरह आपने सिंपल बार डायग्राम बना लेनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। इधर एक्स एक्सिस है, इधर क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर टू, आप देखें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय मल्टीपल बार डायग्राम। इस डाटा को आपने मल्टीपल बार डायग्राम की मदद से शो करना है। तो यहाँ पे डाटा दिया गया है एयर 1975, 76, 77, एग्रीकल्चर 100, 120, 200, ट्रांसपोर्ट 50, 52, 70, इंडस्ट्री 20, 23 एंड 50। यानी कि ये कुछ डाटा दिया गया है, इसको आपने मल्टीपल बार डायग्राम की मदद से शो करना है। पहले को हमने सिंपल बार डायग्राम की मदद से शो किया है, अब हमने क्या करना है, मल्टीपल बार डायग्राम की मदद से शो करना है। इसमें एयर दिए गए हैं और आगे क्या है, कमांडिटी जो है वो तीन कमांडिटी दी गई हैं। पहले में सिर्फ एक ही कॉलम था, उसको हमने सिंपल ही जाहिर किया, जबकि इसमें आपने मल्टीपल जाहिर करना है, यानी कि एक डायग्राम को आपने मल्टीपल ही बनाना है। तो आइए इसको बनाते हैं, हम मल्टीपल बार डायग्राम को। मल्टीपल बार डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, इस तरह आपने यहाँ से इसके नीचे आप बना लें वाई एक्सिस, ये हो गया, इसके नीचे हम बना लेते हैं। यहाँ पे आप देखें डायग्राम आपने बनाना है, इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपने वाई एक्सिस रखनी है, लिखना है इधर वाई एक्सिस, और इधर हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस लिखना है। तो शो कैसे करना है, आपने तादाद अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी रकम जो है वो 200 आ रही है, 200 आ रही है, तो आपने इसका फ़र्क रख लें, आप 50 का फ़र्क रख लें। तो यहाँ पे हम ज़ीरो से लेके, इधर ज़ीरो भी लिखना है आपने, ज़ीरो से लेके ज़ीरो आ गया, फिर हमारे पास 50 आ गया, 100 आ गया, 150 आ गया, फिर हमारे पास कितना आ गया, 200 हमारे पास क्या आ गया, डाटा आ गया। ये हमारे पास जो तादाद दी गई है उसको हमने इधर शो कर लिया है। नीचे आपने एयर शो करनी है, इधर हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर को हम कैसे शो करेंगे, वो हम सिंपल शो कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को हम कैसे शो करेंगे, ट्रांसपोर्ट को हम थोड़े से डॉट लगा लेंगे उसमें इस तरह। उसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री को कैसे शो करेंगे आप, इंडस्ट्री जो है उसको आप शो कर लेंगे इस तरह, लाइनों से शो कर लेंगे हम, यानी कि मुख्तलिफ लाइनों के साथ हम क्या करें, एग्रीकल्चर को हम सिंपल बना लेंगे, ट्रांसपोर्ट में हम डॉट लगा लेंगे, इंडस्ट्री में हम क्या कर लेंगे, लाइनें लगा लेंगे। तो हमने इस तरह बनाना है। और नीचे हमने क्या करना है, नीचे आपने एयर रखना है, यहाँ पे एयर लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस पे आपने एयर रखनी है। तो यहाँ पे 1975 हो गया, 1975, 1975 के बाद 1976 हो गया, 1976, 1976 इधर लिखना है आपने, फिर 1900 आपके पास क्या आ गया, 77 हो गया। इस तरह आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे एयर रखनी है। तो यहाँ पे पहले आपने एग्रीकल्चर का क्या करना है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, 1975 में आपने तीनों जो कमोडिटी हैं उनके क्या करने हैं, आपने शो करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर का बना लेते हैं आप। एग्रीकल्चर का हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से अगर देखें एग्रीकल्चर में 1975 में 100 कीमत है, तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर का 100 तक बना लेंगे एक डायग्राम। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट 50 है, तो हम 50 तक क्या कर लेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेंगे, 50 तक इसका डायग्राम बना लेंगे। इसको हमने ट्रांसपोर्ट को डॉट से शो करना है, डॉट यहाँ पे डॉट्स लगा देनी है कि ये ट्रांसपोर्ट का क्या है, डायग्राम है। उसके बाद आपने इंडस्ट्री को शो करना है, इंडस्ट्री कितनी है, 20 पे है, तो यहाँ पे हम इंडस्ट्री को शो कर लेते हैं। इंडस्ट्री को आपने लाइनों के साथ शो कर लेना है कि ये इंडस्ट्री के कॉलम डायग्राम है। इस तरह आपने 1975 के तीनों डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद 1976 में एग्रीकल्चर का आपने बनाना है। एग्रीकल्चर 1976 में 120 है, तो 120 तक आप ले जाएंगे,
यहाँ तक 120 आ रहा है, तो यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट 52 है, तो 52 तक आप क्या कर लेंगे, इसको बना लेंगे। इसमें आप डॉट लगा लें सिंपल कि ये हमारे पास कौन सी है, ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कितनी है, 23 है 1976 में, तो यहाँ से 23 तक हम क्या कर लेंगे, इसको लाइनों की मदद से इंडस्ट्री को शो कर देंगे। कि ये तीन डायग्राम बन गए, 75 का बन गया, 76 का, यानी कि अलग अलग तीन मल्टीपल साथ ही बनाने हैं। मल्टीपल हो गया, ये सिंपल हो गया। आगे हमने देखना है 1977 है हमारे पास, 77 में हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो 200 तक है, तो एग्रीकल्चर को हमने 200 तक ले जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, एग्रीकल्चर का आ गया सिंपल। उसके बाद हमारे पास आ गया 70 ट्रांसपोर्ट का है, तो ट्रांसपोर्ट 70 हमारे पास यहाँ तक आ गया, इसको आपने डॉट की मदद से शो करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया इंडस्ट्री, इंडस्ट्री 50 है, तो 50 तक आपने शो कर लेना। तो यहाँ तक हमारे पास इंडस्ट्री है, इसको आपने इस तरह शो कर देना है, इसको आपने इन लाइनों की मदद से क्या करना है, शो करना है। इस तरह आपने मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। पहला हमने सिंपल बार डायग्राम बनाया है, ये हमारे पास कौन सा है, मल्टीपल बार डायग्राम। इस तरह आपने क्या करना है, मल्टीपल बार डायग्राम बना लेना है। ये मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, यानी कि एक एक ही डायग्राम में, एक ईयर में हमने तीन किस्म की कमोडिटी को अलग अलग तरीकों से शो किया है, उसे आप मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। जबकि सिंपल में एक कमोडिटी को सिंपल ही हम क्या कर लेते हैं, उसको शो कर लेते हैं। जैसे ये सिंपल हमने बनाया तो सिंपल में सिर्फ एक ही हम डायग्राम बनाएंगे, मल्टीपल में हम दो या दो से ज़्यादा जो कमोडिटी हैं उनको शो करेंगे, और उस साल में हम क्या करेंगे, उसको शो करेंगे डायग्राम पर। तो ये हो गया सिंपल, और ये हो गया हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। इसके बाद एक और डायग्राम हम बनाते हैं, वो है ड्रा कंपोनेंट बार डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपने कंपोनेंट बार डायग्राम बनाना है, तो कंपोनेंट बार डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लें आप। इसको हम कंपोनेंट बार डायग्राम को शो करेंगे। हम तीसरा सवाल देखें आप, कंपोनेंट बार डायग्राम आप कैसे बनाते हैं। कंपोनेंट में आप एक से ज़्यादा कमोडिटी को शो करते हैं उसमें, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर आपने जो तादाद दी गई होती है, फिगर दिए गए होते हैं, उनको शो करना होता है। जबकि वाई एक्सिस पर आपने क्या करना है, वो जो डाटा दिया गया वो आपने शो करना है। तो यहाँ पर हम y एक्सेस पे हम डाटे को शो करते हैं, जो मवाद दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखें, एक साइड पे डिवीज़न दिया गया है, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और डीजी खान, आगे मेल दिया गया, आगे फीमेल दिया गया है, फिर टोटल उनका दिया गया है। मेल में आपके पास अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 40 है, और फीमेल में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 36 है। ज़्यादा कितनी अमाउंट है आपके पास, आप देखें तो 76 है, जो टोटल है 76 तक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह बना लेना, यहाँ से जीरो रख लेना है, यहाँ पे 20 आप रख लें, यहाँ पे 40 रख लें, फिर 60 आप रख लें, फिर क्या कर लें, यहाँ पे हम 80 तक हम रख लेते हैं इसको। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक्स एक्सिस पे आपने जो डिवीज़न है वो आपने शो करने हैं। डिवीज़न जैसे मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और डी जी खान, इनको आपने एक्स एक्सिस पे शो करना है। तो यहाँ पे हम डिवीज़न को शो करेंगे। यहाँ पे पहला डिवीज़न हमारे पास आ गया फैसलाबाद, उसके बाद आपने मुल्तान, फिर आ गया हमारे पास लाहौर, और उसके बाद है हमारे पास डीजी खान, इनको आपने एक्सिस पे शो करना है। तो इसको आपने कंपोनेंट बार डायग्राम में इस डाटा को शो करना है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंपोनेंट बार डायग्राम पे, तो सबसे पहले आपने देखना है मेल कितने हैं। मेल है हमारे पास फैसलाबाद डिवीज़न में 32 हैं, और फीमेल कितने हैं, 28 हैं, और टोटल जो बोथ सेक्सेस हैं मेल और फीमेल वो कितने हैं, 60 हैं। तो इनको हम फैसलाबाद में 60 तक शो करेंगे, यानी कि यहाँ तक हमने इसको शो कर लिया, 60 तक हम मेल और फीमेल को शो कर लेते हैं। इसमें कैसे पता चलेगा कि ये मेल हैं और ये फीमेल हैं, आपने ये करना है कि यहाँ पर मेल होगा उसको आपने सिंपल शो कर देना है, जबकि फीमेल को आपने
डॉट्स की मदद से आगे कॉलम को शो करना है। इस तरह आपने डॉट लगा लेनी है कि ये वाले फीमेल हैं और यहाँ तक मेल हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेल जो है, मेल हैं 32 और फीमेल कितने हैं 28। 32 हमारे पास मेल हैं तो यहाँ तक हमारे पास मेल आ गया। इसको सिंपल आप शो कर लें और फीमेल को डॉट की मदद से आप शो कर लें तो ये कौन सा आ गया, फीमेल का ऊपर से हमारे पास डायग्राम आ गया। इस तरह आपने कंपोनेंट बार डायग्राम को बनाना है। इसके बाद देखें आप मुल्तान डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न में मेल जो है वो 31 है तो 31 आपने 31 और 25 टोटल कितना है 56, तो 56 तक आपने क्या करना है, एक डायग्राम शो करना है। तो यहाँ तक हम एक डायग्राम बना लेते हैं मुल्तान में। इसमें आपने 31 जो है वो मेल हैं तो मेल आपने यहाँ तक शो कर लेने हैं। यहाँ पर हमारे पास मेल आ गया और ऊपर हमारे पास क्या आ गया, जो 25 है वो आ गया फीमेल। तो फीमेल को आपने डॉट की मदद से शो करना है और मेल को आपने खाली सिंपल ही शो कर देना है। जिस तरह आपने सिंपल बार डायग्राम बनाया है उस तरह आपने इसको शो कर देना है। सिंपल में आप सिर्फ सिंपल ही बनाते हैं, जबकि मल्टीपल बार डायग्राम में दो तीन डायग्राम को इकट्ठे साथ ही हम बनाते हैं, जबकि कंपोनेंट बार डायग्राम में एक ही सिंपल बार डायग्राम में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को शो करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो लाहौर में 40 और 36 कितने हैं 76, तो 76 तक आपने क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। इधर यहाँ तक एक डायग्राम बना लिया, उसमें आप देखें 40 मेल हैं तो 40 मेल तक आपने यहाँ तक एक निशान लगा लेना है। ये हो गया सिंपल, हमारे पास मेल हो गया और बाकी हमारे पास क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे आपने डॉट्स की मदद से इनको शो कर देना है। उसके बाद देखें आप डीजी खान में टोटल जो है वो 38 हैं तो 38 तक आपने क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। यहाँ तक हम डायग्राम बनाते हैं डीजी खान में और उसमें देखें आप 20 मेल हैं, 20 मेल को आपने 20 तक क्या कर लेना है, सिंपल लाइन लगा देनी है इधर और बाकी हमारे पास आ गया फीमेल। फीमेल को आपने डॉट की मदद से क्या करना है, शो कर देना है। तो इस तरह आपने क्या करना है, मल्टीपल बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम बनाने हैं। मल्टीपल बार डायग्राम में एक से ज़्यादा यानी कि डायग्राम्स होते हैं और उनको इकट्ठा शो करते हैं, जबकि कंपोनेंट बार डायग्राम में आप क्या करते हैं, एक ही जो डायग्राम होता है उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को वहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कंपोनेंट बार डायग्राम है, कंपोनेंट बार डायग्राम, ये कंपोनेंट है और ये मल्टीपल है। आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक बुक में दिए गए हैं उनको आपने यही इन्हीं सवालों की मदद से आपने करना है जो हम मैंने समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक ये तीनों टॉपिक आ रहे हैं। इसमें मल्टीपल बार डायग्राम है, कंपोनेंट बार डायग्राम है और सिंपल बार डायग्राम है। इनको आपने अच्छे तरीके से घर बैठ के हल कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।